हेलो एंड वेलकम टू लाइम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट ऑफ टॉप 20 प्रोडक्ट्स टू एक्सपोर्ट इन साइप्रस, राइट। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वो बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दें ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेके आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। साथ ही साथ इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो इस लिस्ट की जो प्रोडक्ट नंबर 20 है वो है फ्लैट रोल प्रोडक्ट्स ऑफ आयरन एंड नॉन अलॉय स्टील। यहाँ पे सारी स्पेसिफिकेशंस फिलहाल दी है लेकिन अगर आपको ज़्यादा डिटेल में रिसर्च करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा वो सारी प्रोडक्ट्स का लिस्ट प्रोडक्ट कोड्स के साथ मौजूद है और यहाँ पे वैल्यूएशन यहाँ पे मैंने प्रोवाइड की है वैल्यूएशन इन USD थाउजेंड्स 2021 की, राइट। तो ये भी फिगर्स आपके लिए यूज़फुल रहने वाले हैं क्योंकि ये वीडियो जो है वो वैल्यूएशंस के फिगर्स के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट नंबर 19 है न्यू न्यूमेटिक टायर्स ऑफ रबर ऑफ अ काइंड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन माइनिंग और इंडस्ट्रियल हैंडलिंग। जो मशीनरीज रहते हैं जो बड़े व्हीकल्स रहते हैं कंस्ट्रक्शंस में और माइनिंग में यूज़ होते हैं ऐसे व्हीकल्स में जो टायर्स यूज़ होते हैं ऐसे टायर्स की डिमांड वहाँ पे ज़्यादा है। अगर आप टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ द प्रोडक्ट टू कंसिडर साइप्रस में बायर्स ढूंढने के लिए। प्रोडक्ट नंबर 18 एक केमिकल प्रोडक्ट है साइक्लिक एमाइड्स और केमिकल प्रोडक्ट्स में आपको प्रोडक्ट कोड के साथ ही रिसर्च करना चाहिए तो ही एक्यूरेट रिसर्च आपको मिल सकता है और केमिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ जो लोग बिलोंग करते हैं उनको ये चीज़ प्रॉपरली समझ में आ गई होगी क्योंकि यहाँ पे केमिकल प्रोडक्ट्स में वेरिएशंस माइनर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं और ऐसे वेरिएशंस के साथ भी प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स कोड्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट नंबर 17 जो है वो सेमी मिल्ड और होली मिल्ड राइस है। राइस की डिमांड इंडियन राइस की डिमांड बहुत ज़्यादा है बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है वो राइस यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से और हमारे राइस की स्पेशलिटी जो है वो यही है कि जो स्मेल और जो टेस्ट हमारे राइस में से आता है वो और कोई कंट्रीज़ में से नहीं मज़ा आता है तो बायर्स नेचुरली इंडियन राइस की प्रेफरेंस जो है वो ऑलवेज रखते हैं। प्रोडक्ट नंबर 16 जो है वो है पेपर एंड पेपर बोर्ड सेलुलस वेडिंग एंड वेब्स ऑफ सेलुलस फाइबर्स। सेलुलस फाइबर्स के बिजनेस में अगर आप जुड़े हैं तो आपको ये चीज़ जो है वो डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए क्योंकि इसकी डिमांड आने वाले टाइम में भी हो सकता है ज़्यादा हो जाए। प्रोडक्ट नंबर 15 की बात करें तो अगेन एक केमिकल प्रोडक्ट है और ये भी एक ऐसी ही प्रोडक्ट है जो कि आपको प्रोडक्ट कोड देख के ही आगे रिसर्च करना चाहिए। प्रोडक्ट नंबर 14 जो है वो है मेडिकामेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर कंसिस्टुएंट मिक्स्ड टुगेदर फॉर थेरापेटिक और प्रोफिलेक्टिक पर्पजेस। जिसमें दो मेन इंग्रेडिएंट्स हो कंपाउंड्स हो ऐसी मेडिसिंस की बात हो रही है। मेडिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ अगर आप जुड़े हैं ट्रेडिंग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ द प्रोडक्ट टू कंसिडर, राइट। प्रोडक्ट नंबर 13 जो है वो है कास्ट आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील। ये भी एक सही प्रोडक्ट है अगर आप कास्टिंग बिजनेस के साथ जुड़े हैं राजकोट हमारा जो सौराष्ट्र का राजकोट है गुजरात का वहाँ पे डेफिनेटली बहुत ही बड़े स्केल में आपको कास्टिंग इंडस्ट्रीज़ और कास्टिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे और बहुत ही बड़े पैमाने में आपको जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करके दे सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 12 जो है वो है एसाइक्लिक एमाइड्स अगेन एक केमिकल प्रोडक्ट है और इसके लिए भी आप कोड ज़रूर रिफ़र करें और कोड रिफ़र करके ही आगे रिसर्च करें। प्रोडक्ट नंबर 11 है अगर आप सी फूड इंडस्ट्रीज़ के बिजनेस के साथ जुड़े हैं तो ये प्रोडक्ट है आपके लिए कटल फिश एंड स्क्वीड फ्रोजन और विथ और विदाउट शेल, राइट। तो ये सी फूड इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हुए लोगों को ये प्रोडक्ट जो है वो समझ में आ जाएगी और डेफिनेटली दिस इज़ द प्रोडक्ट टू कंसीडर। प्रोडक्ट नंबर 10 है अगेन एक केमिकल प्रोडक्ट है कंपाउंड है और केमिकल प्रोडक्ट्स के लिए आप कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख के रिसर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 9 है सीसम सीड्स वेदर आर नॉट ब्रोकन। सो तिल जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीड है और इंडिया से बहुत ही अच्छे पैमाने में जो है वो एक्सपोर्ट होता है बहुत सारी कंट्रीज़ जो है अगेन जैसे मैंने आपको राइस में बताया ठीक उसी तरह तिल भी यानी कि सीसम भी हमारे इंडियन प्रीफर करते हैं, राइट। तो इसके यूज़ केसेस भी अगेन बहुत सारे हैं और ये जो है वो ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मल्टीपल यूज़ केसेस के साथ ली जाती है और डिफरेंट फूड प्रिपरेशंस में भी इसका यूज़ होता है। प्रोडक्ट नंबर 8
नीट की बात करें तो अगेन एक केमिकल प्रोडक्ट है और केमिकल प्रोडक्ट का प्रोडक्ट कोड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख के रिसर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 7 है सिरामिक फ्लेक्स एंड पेविंग्स हर्थ एंड वॉल टाइल्स। सिरामिक की डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइल्स की बात हो रही है और सिरामिक की अगर हम बात करें तो गुजरात के मोरबी में एक बहुत बड़े स्केल में जो है वो सिरामिक का मैन्युफैक्चरिंग होता है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप मोरबी से जो है वो मैन्युफैक्चरर्स ढूंढ सकते हैं और आपको जो भी क्वालिटी क्वांटिटी चाहिए वो क्वालिटी क्वांटिटी आपको यहाँ से मिल सकती है। प्रोडक्ट नंबर 6 अगेन एक केमिकल प्रोडक्ट है हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स विद नाइट्रोजन हीट्रो आइटम और इसके लिए भी आप ज़्यादा रिसर्च करना चाहे तो कोड ऐड करके गूगल में ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 5 जो है वो है ऑप्टिकल फाइबर्स फाइबर बंडल्स एंड केबल्स राइट। ऑप्टिकल फाइबर्स जो है वो आजकल बहुत बड़ी डिमांड में है और आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बढ़ सकती है ये हम देख सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 4 जो है वो है न्यूलिक एसिड और ये भी एक बहुत ही सही केमिकल है और इसके लिए भी आपको ज़्यादा रिसर्च करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड मौजूद है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स हो जैसे कि प्रोडक्ट के वेरिएशंस में और कोड्स में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स हो तो कभी भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या तो हमारी वेबसाइट पे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है वहाँ पे जाके भी पूछ सकते हैं। हम इन डेप्थ मैनर में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सिखाते हैं। अगर आप भी सही तरीके से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सीखना चाहते हैं तो लाइम इंस्टीट्यूट का कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम आपसे हमारी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो शेयर करेंगे। प्रोडक्ट नंबर 3 है अगेन एक केमिकल प्रोडक्ट है। अभी तक आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस कर ली होगी कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है राइट। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट नंबर 2 है मेडिकमेंट्स और मेडिकमेंट्स ऑफ मिक्स्ड और अनमिक्स्ड प्रोडक्ट्स फॉर थेरापेटिक एंड प्रोफिलेक्टिक पर्पजेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन की बात हो रही है और यहाँ पे एक सही वैल्यूएशन आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 1 जो है वो अगेन एक केमिकली डिफाइंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इसमें यूजुअली ऐसा रहता है सेपरेट केमिकली डिफाइंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसी प्रोडक्ट्स जो रहती है उसमें यूजुअली ऐसा रहता है कि बायर्स जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट आपको बताते हैं कि हमें ऐसा ऐसा केमिकल चाहिए इस तरह का मिक्सचर चाहिए इस क्वांटिटी में ये चाहिए इस क्वांटिटी में ये चाहिए और ये हमें मिक्सडअप चाहिए और ये हमें सेपरेट चाहिए तो इस तरह से आपको बायर्स की रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशंस मिलती है और उसके मुताबिक आपको आपके जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी है। तो यही हम इन डेप्थ मैनर से लाइम इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं किस तरह से कौन सी प्रोडक्ट के फुलफिलमेंट किस तरह से की जाती है डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से लगते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप्स है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत बहुत ही ध्यान से लेने हैं और किस तरह से आपको सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो करनी है ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली सीखनी है। अभी ही आपकी स्क्रीन पे दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट करिए और हमसे बात करिए। आज के लिए लाइम इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में बस इतना ही लेकिन बहुत ही जल्द ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपको वापस मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।